गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर. वेलकम टू आर टूडेज मैथ्स क्लास. यस, आर टूडेज टॉपिक इज ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी. ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी और वी कैन से दैट टाइम इंटरवल ऑफ एन एक्टिविटी, राइट? ओके, टाइम टेकन फॉर एन एक्टिविटी इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी. बेटा, एक्टिविटी मीन्स कोई भी काम. ओके, कोई भी काम जो हम करते हैं, दैट इज द एक्टिविटी. ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी मीन्स टाइम टेकन फॉर एन एक्टिविटी इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी. मतलब एक काम को पूरा करने के लिए जो समय लगता है, दैट इज आर ड्यूरेशन. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वेन एवर यू गिव योर एग्जाम्स, ओके, यू एवरी टाइम यू सी, यू कैन ईजली सी दैट बेटा ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर देयर द टाइम इज रिटन देयर. ओके, मीन्स टाइम इज 3 hours और 2 hours, 30 minutes. ओके, मीन्स दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर एक्टिविटी. मीन्स दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर एग्जाम. मीन्स यू हैव टू कम्प्लीट दैट एग्जाम इन बिटवीन दैट गिवन टाइमिंग्स. ओके, दैट इज द ड्यूरेशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, फॉर to understand this topic, you have to first what we needed are the things we are needed are first is the starting time, means starting time of an activity, and the finishing time of an activity. Okay, so students, here I have taken one starting time, that is the 3:40 p.m. and the finishing time is 4:35 p.m. students, this is a bus left Faridabad at 3:40 p.m. and reached Delhi at 4:35 p.m. How much time did the bus take to reach Delhi from Faridabad? तो बेटा, एक बस चली है फरीदाबाद से और वो उसका टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है 3:40 p.m. ओके, मतलब ये काम है, दिस इज़ एन एक्टिविटी. ओके, तो वो बेटा पहुँची कब है दिल्ली? वो दिल्ली पहुँची है 4:35 p.m. पे. ओके, तो हेयर स्टार्टिंग टाइम इज गिवन एंड द फिनिशिंग टाइम इज गिवन. ओके, वर्क यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्टिविटी हमारी यहाँ स्टार्ट हुई, इस टाइम पे स्टार्ट हुई और इस टाइम पे हमारी एक्टिविटी खत्म हो गई. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द बस. ठीक है, मींस हाउ मच टाइम डिड द बस टेक टू रीच द डेस्टिनेशन. ओके, मतलब उसने फरीदाबाद से स्टार्ट होके दिल्ली इतने बजे पहुंची, तो उसने पूरा टोटल टाइम कितना लिया बेटा ट्रेवल करके, कितने घंटों में वो या कितने मिनट्स में वो दिल्ली पहुंची. ओके, द स्टूडेंट, सम एक्टिविटीज कैन बी काउंटेड और कंप्लीटेड इन मिनट्स. ओके, सम एक्टिविटी टेक आवर्स एंड सम एक्टिविटी टेक्स आवर्स एंड मिनट्स, राइट? ओके, सो to calculate the duration of an activity, we should know the starting time and finishing time. Now we are going to start how to solve this sum. Okay, how to find the duration of an activity, right? Okay, now first student, this time is the 3:40 p.m. okay, 3:40 p.m. ka duration hai beta. To sabse pehle bache hum isko kaise solve kar sakte hain? तो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए दिस इज़ द 3:40. ओके, 3:40 इज़ आर स्टार्टिंग टाइम. तो बेटा, स्टार्ट टाइम जहाँ से है, दैट इज़ द 3:40. ओके, तो सबसे पहले हम इसको बेटा शॉर्ट स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. नाउ इट इज़ द 3:40. ओके, 3:40 का नियरेस्ट बेटा, नियरेस्ट जहाँ पे पूरा एक घंटा हो जाता है ठीक है, तो वो नियरेस्ट टाइम 3:40 के बाद क्या आता है, 4 o'clock का, या हम कहते हैं 4 p.m. का. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3:40 से लेके 4 p.m. का जो टाइम है बेटा, वो कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ इसकी ड्यूरेशन क्या है हमारे पास, ड्यूरेशन ऑफ दिस टाइम इज, दैट इज़ इक्वल टू, दिस इज़ द 40 बेटा, और इसका मतलब 4 बजने में हमारे पास कितने मिनट्स हैं, वी हैव द 20 minutes. ओके, 20 minutes मीन्स 3:40 से 4 बज गए बेटा, तो 4 बजने में, 3:40 से जब 4 बजे, तो हमारे पास कितने मिनट्स आए, 20 minutes. ओके, नाउ अब हम टाइम स्टार्ट करेंगे 4 p.m. से, और हम पहुंचेंगे कब, 4:35 तक. ओके, नाउ ड्यूरेशन काउंट कर लेंगे हम,
कहाँ से, 4 PM से, ओके, 4 PM से लेके हमारा टाइम क्या है 4:35 PM, ओके। नाउ अब इसका टाइम ड्यूरेशन हम देख लें, 4 है बेटा, 4 से 35, तो दैट मीन्स 35 मिनट्स, यस। नाउ बेटा आपने एक चीज़ समझी होगी कि आपको थोड़ा सा टाइम कैलकुलेट करने में इजी हो गई है ना, इजीनेस हो गई, क्योंकि अगर आप यहाँ से आप काउंट करते 40 मिनट्स तो फिर 35 मिनट्स, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो हमने क्या ले लिया बेटा, बीच में हमने एक हम कह सकते हैं कि रेस्ट पॉइंट ले लिया कि 4 पे पहले हम रुक गए, राइट, पहले हमने 40 मिनट से लेके 4 o'clock का टाइम काउंट कर लिया, फिर हमने 4 o'clock से दोबारा स्टार्ट करके वी विल रीच एट द 35, ओके, 4:35। नाउ वी विल ऐड दीज टू मिनट्स या ड्यूरेशंस, 20 मिनट प्लस 35 मिनट्स, सो टोटल टाइम टेकन बाय द बस टू रीच द डेस्टिनेशन इज द, यस इट इज़ द 55 मिनट्स, ओके, दिस इज द 55 मिनट्स। नाउ इन दिस वे वी कैन फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, ओके। नाउ स्टूडेंट्स हेयर आई एम टेकन वन अनदर एग्जाम्पल, ओके। नाउ द मूवी स्टार्टेड एट 12:45 PM and finished at 3:15 PM. How long did the movie last? Okay, now we have to count the duration of the movie. For this, beta, chaliye, this is the, we have the starting time, we have the finishing time. Now, we will start from the, yes. Okay. चलिए बच्चे, तो यहाँ से हमने 12:45 से अपना टाइम काउंट किया, तो सबसे पहले हम कहाँ पे पहुँचेंगे बेटा, इसके नियरेस्ट जो पूरा 0 o'clock हो जाता है, मतलब पूरा जैसे 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, तो इट इज़ अ 12:45, तो 12:45 के बाद क्या बजेगा बच्चे, 1 o'clock, इट्स वेरी गुड, इट्स 1 PM, ओके बेटा। तो अब 12:45 से 1 PM में पहुँचने के लिए हमारे पास कितना टाइम लगा, 45 to 0 o'clock, यस इट इज़ द 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स वी विल रीच एट द 1, ओके। नाउ अब 1 PM से बेटा टाइम काउंट करेंगे, ओके, 1 PM से यहाँ पे बच्चे जो फिनिशिंग टाइम है दैट इज़ द 3:15, नाउ दिस इज़ द 3:15 बच्चे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, हम 3 o'clock तक चलते हैं बच्चे, ठीक है, 3 PM तक चलते हैं। नाउ दिस इज़ द 1 PM to 3 PM, नाउ 1 PM उसके बाद आता है 2 PM एंड देन 3 PM, तो मतलब 1 से 2 1 hour एंड 2 से 3 2 hours, तो मतलब ये हो गया टाइम हमारे पास 2 hours का, ओके। 1 से लेके शुरू करके हम 3 तक रीच करना है, तो हमारी ड्यूरेशन क्या बनती है बेटा, 2 hours की बनती है। अब हम 3 बजे तक पहुंच गए बच्चे, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू काउंट फ्रॉम 3 से काउंट करना है बच्चे, कहाँ तक काउंट करना है, 3:15, ओके, कहाँ तक काउंट करना है हमें, 3:15 तक काउंट करना है। नाउ अब 3 से बेटा 3:15 तक काउंट करते हैं, तो कितना टाइम हमारे पास आ जाता है, यस इट इज़ द 15 मिनट्स। नाउ बच्चे वी विल ऐड दीज 3 times ड्यूरेशंस, 15 मिनट्स, 2 hours एंड 15 मिनट्स, सो 15 + 50 बेटा 30 मिनट्स हो जाते हैं, तो द टाइम इज़ द 2 hours 30 मिनट्स, 2 hour 30 मिनट्स। तो बेटा हमारी जो मूवी कितने आवर्स तक चली, 2 hours 30 मिनट्स तक हमारी मूवी चली। आई होप आपको ये चीज़ पता चल गई होगी बेटा कि वेन एवर स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम इज गिवन, ठीक है, देन वी कैन फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, ओके। तो हम आसानी से बच्चे ड्यूरेशन जो है वो निकाल सकते हैं। आप इसको क्या करना है, अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, और लास्ट में आपको जितना भी हमारी टाइम ड्यूरेशन आई है उन छोटे पार्ट से उनको हम ऐड कर लेंगे, एंड वी कैन फाइंड द एंड वी कैन गेट द करेक्ट आंसर, ओके।